बदायूं के थाना बिसौली चंदौसी रोड पर अवैध शराब का ट्रक पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया। उसकी तलाशी लेने पर पाया कि ट्रक में फर्नीचर लदा हुआ मिला। ट्रक को बारीकी से देखने पर पाया कि उसके पीछे ट्राला में एक अलग से केबिन बॉक्स नुमा बनाया गया था। बिहार में बंदी होने के चलते वहां हरियाणा के शराब को महंगे दामों में बेचे जाने के उद्देश्य से ले जाई जा रही शराब को दो तस्करों के कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, बदायूं में 269 पेटी शराब को एक ट्रक के ट्राला में अलग से बनाए गए बॉक्स में छिपा कर ले जाई जा रही थी। जिले की स्वाट और बिसौली पुलिस ने शराब बरामद की। दो शराब तस्करों को एक कार समेत गिरफ्तार किया है। ट्रक में ऊपर फर्नीचर रखा था जबकि नीचे शराब की पेटी पाई गई है। कहाँ से आ रही थी? जनपद बदायूं में हमारी एसओजी टीम बिसौली के एसपीआरए और अधिकारियों के नेतृत्व में पतारसी सुरागवसी करके एक अवैध शराब जो चंडीगढ़ से वैशाली बिहार के लिए सप्लाई होती थी, इसको पकड़ा है। इसमें दो लोग अरेस्ट हुए हैं और दो गाड़ियां, एक कैंटर और एक मारुति बरामद हुई है। इसमें 269 पेटी शराब, 2421 लीटर इंग्लिश शराब ये अवैध रूप से ले जाकर के बिहार सप्लाई की जा रही थी, जिसको ट्रैक करके हमारी एसओजी टीम और बिसौली और हमारे एसपीआर साहब के नेतृत्व में ये सारी टीम ने ये वर्क किया है। इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है, एक बिहार का है, एक अलीगढ़ का है और एक इसके जो हरियाणा से एक अरोड़ा है जिसने सप्लाई की थी, और दो व्यक्ति हैं वैशाली बिहार के, जहां पे इसकी सप्लाई जानी थी। इस संदर्भ में वैशाली इसमें बिसौली में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और हमारी टीम ने अच्छा काम किया है। पूरी टीम को उत्साहवर्धन के लिए हमारी तरफ से 15,000 रुपये कैश रिवार्ड दिए जाएंगे।